तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के महानिदेशक अजीत बाला जोशी की ओर से कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने को लेकर कुछ विशेष करने के निर्देश सभी पॉलिटेक्निकल संस्थाओं को दे दिए गए थे। रेवाड़ी के लिसाना पॉलिटेक्निकल की टीम ने सैनिटाइजर हट बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए रविवार को संस्थान के प्रिंसिपल सुखबीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने काम शुरू किया। टीम ने उसके लिए मैकेनिकल ब्रांच में रखे सामान जैसे इसके वेयर, पाइप, टीन शेड, छिड़काव टंकी का प्रयोग कर वेल्डिंग के जरिए यह सैनिटाइज हट मात्र 5 घंटे में ही तैयार कर दी। इसमें करीब 15,000 की लागत आई और इसके बाद उच्च अधिकारियों को हट की पूरी डिटेल भेजी गई। यह तैयार होने पर सरकार ने भी इसका प्रयोग किया, जो प्रयोग सफल हुआ तो इसे चंडीगढ़ में सचिवालय तक में लगाने का फैसला लिया गया। अब इस हट को वहां लगा दिया जा चुका है और आपको बता दें कि वहां उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। अब इस हट को रेवाड़ी जिला सचिवालय और रेवाड़ी हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। दिस इज द सैनिटाइजेशन मशीन सैनिटाइजर दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिसाना। नाउ वन ऑफ आवर स्टाफ मेंबर विल डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजेशन। मिस्टर नरेंद्र प्लीज कम। The person is coming. He is sanitizing his hand. Sir, यहाँ पर पॉलिटेक्निक के अंदर जो ये बनाई गई है सैनिटाइजेशन मशीन बनाई गई है, क्या पर्पज़ है पूरा इसका, किस प्रकार से काम करेगी और इसके ऊपर कितना खर्चा आया और किसने बहन? सर, ये सैनिटाइजेशन चैम्बर जो संस्था के द्वारा बनाया गया है, ये हमें हमारे डायरेक्टर जनरल श्री अजीत बालाजी जोशी द्वारा निर्देश दिए गए थे। हमारे डायरेक्टरेट निदेशालय द्वारा ये बताया गया था कि हमें सोसाइटी के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए हर एक जिला मुख्यालय पे, हर एक सिविल हॉस्पिटल में, जिला मुख्यालय में जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे, या और भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे हमें ये मशीनें बना के और इंस्टॉल करनी है ताकि लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके। एक बार में कितने लोगों को ये सैनिटाइज कर सकते हैं? सर, इसमें 40 लीटर्स के टैंक लगे हुए हैं। एक टैंक लगा 20 लीटर्स का, दो टैंक लगे हुए हैं, या 40 लीटर का एक टैंक भी लगा सकते हैं। हम जो आगे भी बनाएंगे उसमें एक भी लगाएंगे हम, और उसमें एक टाइम पे कम से कम 200 से 300 लोगों को सैनिटाइज कर सकते हैं। अभी जिला मुख्यालय और कहाँ लगेगी ये मशीन? जिला मुख्यालय में लगेंगे सर, और सिविल हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, एक हम सब्जी मंडी में लगा रहे हैं, या अभी एक दो और भी कहीं आगे लगेगा भी कि बहुत ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ है वहाँ पे, हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो कितनी कारगर है, क्योंकि बिल्कुल एकदम नई चीज़ है और अभी आप में किसी कुछ और डेवलपमेंट नहीं करना है? जी सर, अभी डेवलपमेंट तो सर गुंजाइश रहती है हर जगह। अब हम कुछ भी बनाते हैं उसमें डेवलपमेंट के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, फिर भी ये काफ़ी कारगर है। और इसमें हमने इनिशियली दो तरीके से काम करते हैं सर, दो तरीके हैं इसके। फर्स्ट तो इनिशियली हम अपने हैंड्स सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद हम अपने बॉडी सैनिटाइज करते हैं। तो जो बंदा बाहर निकलता है इसके बाद वो कंप्लीट सैनिटाइज होता है विदाउट एनी इन्फेक्शन। देखिए, बहुत बहुत बड़ा सवाल कि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। जैसे आपके यहाँ पर विशेष तौर से थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल से काम चलता है, और जब तक आदमी प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक अपने मुकाम तक नहीं पहुँचता। इसके प्रैक्टिकली कैसे आपने तैयारी की? सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सैनिटाइजर का, आपने क्या इस्तेमाल किया है। सैनिटाइजर जो हमने इस्तेमाल किया है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो ऑलरेडी अभी हमने देखा भी है जिला प्रशासन के द्वारा भी सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वही हमने लिया है और उसी को हमने इस्तेमाल किया है। तो अभी प्रैक्टिकली क्या है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड आपकी बॉडी के ऊपर गिर रहा है और उसकी कंसेंट्रेशन 0.001% है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, दैट किल्स जर्म्स ओनली rather than it harms your body। तो आपको कोई नुकसान तो करता नहीं है।
ये हमने इसका वीडियो जैसा आपने देखा भी होगा, हमने स्पेन में, इटली में, वुहान में, जहाँ भी इस तरह के सैनिटाइजेशन पर बन रहे हैं, हमने वहीं से इसको प्रेरणा लेते हुए हमने बनाया।